Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Jat. Jat. Niruktam, niruktam vachasa, vachasa nirupitam, nirupitam dhiya, dhiya akshabhi, akshabhi va, va manasa, manasa uta, uta jasya, jasya ma, ma bhut, bhut swarupam, swarupam gunarupam he tat savai gunapaya visarg lakshanah jad jad niruktam vachasa nirupitam dhyakshabhir va manaso tajasya ma bhut swarupam gunarupam hi tat tat savai gunapaya visarga lakshanah jad jad niruktam vachasa nirupitam dhyakshabhirva manaso tajasya ma bhut swarupam gunarupam hi tat tat savai gunapaya visarga lakshanah Niruktam vachasa nirupitam dhyakshabhirva manasotayasya ma bhut swarupam gunarupam hi tat tat savai gunapaya visarga lakshanah Ma bhut swarupam gunarupam
शब्दार्थ यात्यात जो भी निरुक्तम कथित वचसा शब्दों से निरूपितम सुनिश्चित धिया तथा कथित ध्यान या बुद्धि से अक्षभे इंद्रियों से वा अथवा मनसा मन से वो निश्चय ही यस्य जिसका मामभूत नहीं हो सकता स्वरूपम भगवान का वास्तविक रूप गुण रूपम तीनों गुणों से युक्त वही निसंदेह तत् वह सह वह भगवान वही निसंदेह गुण अपाय तीन गुणों से बनी हुई हर वस्तु के संहार का कारण विसर्ग तथा सृष्टि लक्षण के रूप में प्रकट हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के। श्रील प्रभुपाद की भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। दोहराइए। भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त भौतिक वस्तु द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। तात्पर्य जो व्यक्ति से संबंध नामों रूपों गुणों तथा सात सामग्री को गढ़ता है और उन्हें नहीं समझ सकता क्योंकि वे सृष्टि से परे हैं। भगवान हर वस्तु के सृष्टा हैं जिसका अर्थ है कि वे सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। दूसरे शब्दों में उनका नाम रूप तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न जीव नहीं है। वे सदैव दिव्य रहते हैं। अतएव अपने भौतिक मनोरथों ध्वनियों तथा विचारों से हम भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै श्लोक में हुई है। यहाँ पर प्राचेतस दक्ष ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। भौतिक सृष्टि के भीतर किसी व्यक्ति की नहीं एकमात्र मूर्ख तथा धूर्त ईश्वर को भौतिक सृष्टि समझते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय श्लोक 11 में की है। अवजानन्ति मां मुड्ढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। ये मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पुरुष से ज्ञान प्राप्त करें जिसके समक्ष भगवान प्रकट हो चुके हों। भगवान के लिए काल्पनिक नाम या रूप निर्मित करने का महत्व नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे।
किंतु तो भी उन्होंने कहा नारायण पुरो अव्यक्ता, नारायण या भगवान इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं हैं। हम नारायण को भौतिक उपाधि नहीं प्रदान कर सकते, जैसा कि मूर्ख लोग दरिद्र नारायण बोलते समय करने का प्रयास करते हैं। नारायण सदैव दिव्य हैं, इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे दरिद्र नारायण कैसे हो सकते हैं? दरिद्रता इस जगत में पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में दरिद्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है। अतएव दरिद्र नारायण का विचार कुरी मनोकल्पना है। दक्ष बहुत ही सावधानी से इंगित करते हैं कि भौतिक उपाधियां पूज्य भगवान के नाम में नहीं हो सकती। यद यद निरुक्तम वचसा निरूपितम, निरुक्तम द्योतक है कि वैदिक कोश का, निरुक्त द्योतक है वैदिक कोश का। कोई व्यक्ति कोश की अभिव्यक्तियों को चुनने मात्र से भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता। भगवान की स्तुति करते समय दक्ष अपनी पूजा के लिए भौतिक नामों तथा रूपों को विषय वस्तु नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत वे भगवान की पूजा करना चाहते हैं जो भौतिक कोशों तथा नामों के सृष्टि के पहले विद्यमान थे। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान के नाम रूप गुण तथा सात सामग्री को भौतिक कोश द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझने के दिव्य पद तक पहुंच जाता है तो वह प्रत्येक वस्तु से, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भली भांति परिचित हो लेता है। इसकी पुष्टि दूसरे वैदिक मंत्र में हुई है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से किसी तरह भगवान की दिव्य स्थिति को समझ लेता है तो शाश्वत बन जाता है। इसकी और आगे पुष्टि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 9 में की है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान को केवल समझ लेने से मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे चला जाता है। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम में स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक 5 में सलाह दी है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च चताभयम्। हे राजा, भारत के वंशज, जो व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से बचाने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद प्राचेतस दक्ष का उल्लेख कर रहे हैं। दो दक्ष हैं, एक ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जिनकी 16 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह धर्म प्रजापति से, अग्निदेव से और भगवान शिव से हुआ था। भगवान शिव से उनकी छोटी बेटी का विवाह हुआ था जिसका नाम सती था। तो सती का अपमान करने से वो पिता के यज्ञ में ही अपना शरीर छोड़ दी, उससे कोई संतान नहीं हुई। और बाद में भगवान शिव
उस यज्ञ में बहुत विघ्न के, यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति का वध कर दिए वीरभद्र के द्वारा, और जिलाए भी तो कह दिए कि दक्ष का मस्तक बकरे का होना चाहिए। दक्ष जहां भी जाते थे बकरे का मुख लिए हुए, तो सब लोग यही चर्चा करते थे ये शिव का द्रोही है, इसने अपनी बेटी को मार दिया, पापी है। तो इससे दक्ष को बड़ा शर्म लगता था, बड़ी लज्जा आती थी, और कभी दर्पण में अपना मुख देखते थे तो बकरे का मुख अच्छा नहीं लगता था। अपजस से और इस कुरूपता से वे अपने शरीर को त्याग दिए। इसके बाद वही दक्ष पुनः जन्म लिए प्रचेताओं के यहाँ। प्रचेताओं की कथा सुन चुके होंगे, वे दस थे, महाराज प्राचीन बरही के पुत्र। दसों ने एक पुत्र उत्पन्न किया, वो था दक्ष। तो इसीलिए उनको प्राचेतस दक्ष कहते हैं। प्रचेता के पुत्र होने से प्राचेतस कहा जाता है। ये प्राचेतस दक्ष विंध्याचल पर्वत में बहुत बड़ी तपस्या की है। विंध्याचल इलाहाबाद के पास है, विंध्याचल विंध्य पर्वत, उसमें बहुत वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री भगवान प्रकट हुए। जब भगवान के प्रकट होने पर दक्ष प्रजापति स्तुति कर रहे हैं, उसी स्तुति में से यह एक श्लोक है। इस स्तुति का नाम है हंस गुह्य स्तुति। हंस गुह्य, श्री भगवान चिन्मय हैं, सबके हृदय में रहते हैं, और ऐसे श्री भगवान को सभी जीव नहीं जान पाते हैं, बहुत कठिन है भगवान को जानना, क्योंकि वे चिन्मय हैं और जीव का शरीर, जीव की इंद्रियां, मन बुद्धि जो भी है सब जड़ है। जड़ वस्तुओं से, गुणों से अप्राकृत भगवान को जानना नहीं संभव है, उसी को कह रहे हैं। जद जद निरुक्तम वचसा निरूपितम धियाक्ष भीरवा मनसा उतजस्य। कोई भी जीव, चाहे देवता हो या मनुष्य, जो जो वस्तु बोलता है शब्दों से, जद जद निरुक्तम वचसा, वाणी से जो जो बोलेगा तो वह भौतिक ही बोल सकता है। जद जद निरुक्तम, जो जो
शब्द के द्वारा बोलेगा तो गुण रूपम ही तत्त, वह भौतिक ही होगा, क्योंकि जीव के पास जो भी वाणी है वो भौतिक है। अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से कोई भगवान को नहीं पा सकता है। यह वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, सबसे बड़े विद्वान श्री ब्रह्मा जी भगवान को खोज रहे थे अपनी बुद्धि से। जब उनकी सृष्टि हुई, भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, तो वे सोचने लगे कुछ कारण जरूर होगा इस कमल का, मूल होगा, लेकिन वे पता लगा नहीं सके। बहुत विचार कर रहे थे, केवल जल भरा हुआ था और हवा चल रही थी बहुत जोर की, आंधी चल रही थी, कमल हिल रहा था बार बार। ब्रह्मा जी ऐसी स्थिति में थे कि लगता था कि वे गिर जाएंगे समुद्र में। जो सोचने लगे क्या आधार है, ये माला सहस नाम मत पहनाई, तो सोचने लगे इस कमल का मूल कहाँ है। तो ब्रह्मा जी में जिज्ञासा हुई कमल के मूल को पाने की, लेकिन ब्रह्मा जी खोजना चालू किए, लाखों वर्ष तक खोजते रहे कमल के नाल में जा करके, लेकिन भगवान के नाभि तक नहीं पहुंच पाए। भगवान के सुंदर रूप को देख नहीं पाए। तब अंत में निराश होकर के वे लौटे वहीं पर जहां पर बैठे थे पहले, कमल के पंखुड़ी पर आकर के बैठे। और चित्त को समाहित करके तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। बहुत वर्षों तक, लाखों लाख वर्ष तक वे ध्यान किए। ध्यान से उनका चित्त शुद्ध हुआ। किस चीज का ध्यान, भगवान को तो देखे नहीं थे, फिर भी वे इसी पर सोच रहे थे कि मेरे जन्म का कारण कौन है, क्या है, मैं किससे जन्म लिया हूं, ये कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है, सोच रहे थे। तब श्री भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, समुद्र के तरंगों पर वाणी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी। भगवान नीचे से बोल रहे थे, गर्भ समुद्र से। उन्होंने इतना ही कहा, तप तप, त और प को दो बार भगवान ने कहा, तो इसका अर्थ समझ गए, तप करो तप करो, तपस्या करो तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी में सहज सद्भावना थी, ब्रह्मा जी तप करने लगे पुनः। बिना खाए पिए और कोई साथ में था नहीं,
अकेले ब्रह्मा जी कमल पर बैठे बैठे तपस्या करने लगे। बहुत वर्ष तक तपस्या की। तो उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान पहले अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराए ब्रह्मा जी को, और उस वैकुंठ में फिर अपना स्वरूप दिखलाए। कहाँ? मन में। ब्रह्मा जी ने देखा वैकुंठ और वैकुंठेश्वर श्री भगवान। इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि वैकुंठ की अधीश्वरी श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। भगवान के पार्षदों को भी देखा उन्होंने। तो भगवान को देख करके वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के लाल लाल चरणों के पास वे मस्तक झुकाए रहे। तब श्री भगवान ने अपने करकमल से ब्रह्मा जी का पाणी ग्रहण किया, हाथ पकड़ा, और ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, हे विधि, हे ब्रह्मा, तुम सारी योग्यता प्राप्त करोगे, तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा सृष्टि करने के लिए, और सृष्टि करने पर सृष्टि कर्म में जो भी आसक्ति या बंधन होता है वो तुमको नहीं होगा। बहुत वस्तुएं रचोगे, संसार को रचोगे, लेकिन इस संसार में तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। तो दो बार भगवान ने दिया, सृष्टि रचने की शक्ति और ज्ञान तुमको हो जाएगा, और सृष्टि करने के बाद भी ये अहंकार नहीं होगा कि मैं कुछ किया हूँ इसलिए मैं भोगूंगा, यह अज्ञान भी नहीं आएगा। भगवान ने स्पष्ट कहा। तब श्री ब्रह्मा जी सृष्टि किए, उनके द्वारा रचा हुआ है जगत बहुत काल से चल रहा है। तो श्री ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि किए उस कमल के फूल के पंखुड़ियों से इस विश्व का निर्माण किए, सब चीज लिए। ब्रह्मा जी के पास और कोई साधन नहीं था, कहाँ से कोई वस्तु लेते। मान लीजिए कोई नगर बनाना है, किसी प्राणी का शरीर बनाना है, तो ब्रह्मा जी के पास कोई मटेरियल था नहीं, वो कमल था। उसी में ब्रह्मा जी ने बहुत से लोगों की कल्पना की और प्राणियों के शरीर का निर्माण। मूल मटेरियल कमल ही था जो भगवान से जन्म लिया था। तो सृष्टि के मूल कारण भगवान है। तो जो कुछ भी कमल में था, तो यद्यपि भगवान से जन्म लिया कमल ने, कि वो भौतिक था, और उसी भौतिक कमल से श्री ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों का शरीर बनाया। देवता का शरीर, दानव का शरीर, मानव का शरीर, सबका शरीर भौतिक बनाया। और शरीर बनाने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने उसमें दिमाग फिट किया, तो दिमाग भी
भौतिक था, मन ने बुद्धि फिट किया, आंख फिट किया, ये सब भौतिक, स्पिरिचुअल कुछ था नहीं, ये भौतिक जगत की सृष्टि किया। ऐसी भौतिक आंख से, बुद्धि से, मन से, वाणी से जीव कुछ बोलता है, सोचता है, देखता है, तो वो जो कुछ बोलता है, देखता है, सुनता है, वो भौतिक होता है, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान दूर रहते हैं। इसीलिए दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, मां भूत स्वरूपम गुण रूपम ही तत्त्व, वो भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता है। जो जीव कुछ बोलता है, कुछ सुनता है, देखता है अक्ष भी इंद्रियों से, जो कुछ देखता है, सुनता है, बोलता है, सब भौतिक होता है। इसीलिए यदि भगवान का सही वर्णन जानना है मनुष्य को, तो भगवान से साक्षात सुनना चाहिए। श्री भगवान गीता में बोले हैं, वह भी शब्द है, गीता भी शब्द है, लेकिन गीता या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात विनिश्रता, स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकला शब्द है, दिव्य है। तो अन्य पुस्तकों जैसा कभी नहीं समझना चाहिए कि ये भगवद गीता भी एक पुस्तक है, ये साक्षात भगवान की वाणी है, जिसमें कोई भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष नहीं है। किसी भी भौतिक विचार वाले व्यक्ति के वाणी में चार दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटम। भ्रम का अर्थ है ठीक नहीं समझना, जैसे देह है, आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार में सभी जीव इसी भ्रम में है कि मैं यह देह हूं। देह से पृथक अपनी स्थिति को वो समझ ही नहीं पाता, दूसरा दोष है प्रमाद। यदि कोई कुछ लिखने चले तो निश्चित ही वो भूल करेगा। हम लोग देखते हैं अपने ही लिखे हुए विषय पर बाद में विचार करते हैं तो अपनी गलती अपने आप पा लेते हैं, यहाँ ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, तो ये मनुष्य का स्वभाव है। भूल करना ये जीव मात्र का स्वरूप है, भूल होगी। तो जिससे भूल हो सकती है, जिसमें भ्रम हो सकता है, उस व्यक्ति के
कुछ लिखने से या बोलने से कैसे उसको प्रमाणित माना जा सकता है? और एक दोष है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ है प्रलिप्सा। प्रत्येक जीव को इस संसार में इच्छा होती है सम्मान पाने की या पैसा प्राप्त करने की। कोई कोई ग्रंथ लिखता है तो उसके पीछे उसका यही आशय होता है कि हमारा नाम बढ़ना चाहिए। हमको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन श्री भगवान गीता का उपदेश किए, भगवान का कोई आशय नहीं था कोई पैसे की या मान की इच्छा नहीं थी। सहज हित के लिए अपने सखा अर्जुन के बहाने भगवान चाहते थे सारे जगत को ज्ञान दें। इस शुद्ध भावना से जीवों के परम हितैषी के रूप में भगवान ने प्रवचन किया। अभी फुर्सत नहीं थी भगवान को। किसी तरह से अर्जुन ने युद्ध रोक दिया कुरुक्षेत्र में, तो थोड़ा समय मिल गया भगवान को, तो उन्होंने प्रवचन किया अर्जुन के रथ पर बैठे बैठे। युद्ध रुका हुआ था इसलिए भगवद गीता का प्रवचन करने लगे। यदि युद्ध नहीं रुका होता तो पता नहीं ये कोई गीता आई होती कि नहीं। तो सहज शुद्ध भावना से जीवों का हित करने के लिए, विशेष करके मनुष्यों का हित करने के लिए श्री भगवान ने कृपा पूर्वक कुछ बोल दिया, जिसे भगवद गीता कहते हैं। तो भगवान के इस वाणी में कोई भी चार प्रकार का दोष नहीं है, शुद्ध है। परंतु अन्य मनुष्यों के द्वारा जो भी लिखे गए ग्रंथ हैं वे भौतिक बुद्धि से लिखे गए भौतिक शब्द व्यक्त हैं, वे भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। जैसे सपना में कोई व्यक्ति कुछ बोले या देखे या खाए तो वास्तविक उसका स्वरूप नहीं होगा। सपना में यदि कोई खा रहा है तो ऐसा नहीं है कि पेट भर जाएगा। इसी तरह से इस भौतिक जगत में कोई कुछ बोल रहा है तो वास्तविक जागृत जीवन का वर्णन नहीं है। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि जद्जद निरुक्तम वत्सा निरूपितम धियाक्षभिर। धिया बुद्धि से या अक्ष भी इंद्रियों से, जब जब निरूपितम जो भी निरूपण करता है व्यक्ति गढ़ता है
वह गुण रूपम ही तत्, वह भौतिक ही होता है। एक प्रश्न हो सकता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं महामंत्र, यह अभी क्या भौतिक है? नहीं, जब भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं तो वो वाणी भगवद गीता के समान शुद्ध होती है, भौतिक नहीं होती। यदि ऐसी बात होती कि हम भगवान के विषय में न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी क्यों ये कह रहे हैं कि भगवान के विषय में सुनना चाहिए, गाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतव्य। हे परीक्षित, भगवान के विषय में सदा सुनना चाहिए, सदा स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो यह सिद्ध करता है कि ये शब्द श्रीमद् भागवतम और महामंत्र आदि जो भगवान के नाम हैं वे दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है। इन शब्दों के सुनने मात्र से भगवान को हम पा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए कहा गया है, बार बार सुनना चाहिए। इस तरह से सुनते सुनते हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान के चरण कमल पकड़ सकते हैं। दक्ष प्रजापति के ये सब श्लोक निराश करने के लिए नहीं है, वे स्वयं भगवान को देख रहे हैं। और इनके कहने का आशय है कि जो कोई भी भगवान के बताई हुई विधि से भगवान के भक्तों के पथ पर उनका अनुसरण करते हुए चलता है तो उसे भगवान मिलते हैं, अन्यथा भौतिक अटकल से भगवान नहीं मिलते हैं, उनका वर्णन भी नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रीधर स्वामी अपने भागवत की टीका में लिखे हैं, भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, परंतु फिर भी आपसे किसी भी जीव का कोई हित नहीं हुआ। अनादि काल से भगवान हृदय में हैं, फिर भी संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कटा। और भगवान का नाम ऐसा है कि क्षण भर के लिए भी यदि जिह्वा पर आ जाए, हरे कृष्ण उच्चारण कर दें तो क्षण भर के लिए आ जाए, तो अनादि
संसार वृक्ष को ये उखाड़ कर फेंक देता है, जीव का जन्म मरण मिट जाता है। तो एक तरफ भगवान का नाम है और एक तरफ भगवान है, भगवान सब जीवों के हृदय में है, परंतु भगवान से संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कटा। अनादि काल से है, सदा है, सब समय रहते हैं। तो आपसे संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कटा और आपका नाम एक सेकंड के लिए भी जिह्वा के अग्रभाग पर आ जाए तो संसार वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देता है। तो आप ही बताइए हे प्रभु, कृष्ण से कहते हैं, आप ही बताइए कि आपका नाम जपा जाए कि आपका ध्यान किया जाए, किससे फायदा है जीव को? ध्यान करके करेंगे क्या? वो कहते हैं कि अनादि काल से सब समय आप तो हृदय में ही हैं, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और आपका नाम जिह्वा पर आता है तो जन्म मरण के प्रवाह को समाप्त कर देता है। आप ही बताए कि आपका नाम जपा जाए कि आपका ध्यान किया जाए। निश्चित ही भगवान कहे होंगे कि नहीं, नाम जप किया जाए, इसीलिए वे आए कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु बन करके और अपना नाम जपने का, गाने का उपदेश किए, स्वयं गा गा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो यही करना है, यही साथ देगा। भगवान नहीं साथ देंगे, भगवान का नाम साथ देगा। सब समय यही गाना चाहिए, यही सुनना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। भगवान को जानना बड़ा कठिन है, पाना भी बहुत कठिन है, लेकिन कुछ विधियां हैं इस युग में, खास करके भगवान के नाम का उच्चारण, ऐसी विधि है जिसके द्वारा भगवान सुलभ है। तो सारा आशा भरोसा छोड़ करके भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में नदिया जिले में नवदीप नगर में प्रकट हुए। भगवान का सबसे निकटतम और सबसे उदारतम अवतार यही सिखाने के लिए हूँ। सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम, और मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर फिर कब मिलेगा कोई कह नहीं सकता। बहुत बहुत जन्मों के बाद ये शरीर मिला है, और शरीर मिलने के बाद भी इसके नष्ट होने का भय बना रहता है, कभी भी ये नष्ट हो जाएगा। इस शरीर से जो लाभ लेना है, जो कमाई करनी है, वो कमा लेना चाहिए। सबसे बड़ी कमाई है
कि इस शरीर से भगवान के नाम को जितना जप सकें जपें। इसके बाद शरीर रहे या नहीं रहे कोई चिंता नहीं, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए ये शरीर त्याग करके हम जाएंगे भगवान के पास भगवान नाम के बल से। तब इस मानव शरीर का सदुपयोग माना जाएगा। सही, जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम कर लेना चाहिए, वही काम है भगवान का नाम जपना। बहुत दुर्लभ अवसर दिया है भगवान ने, और इस शरीर से यदि भगवान का नाम नहीं जपे तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी हानि होगी। उपनिषद कहता है इससे बढ़ करके दूसरी कोई हानि नहीं है। इस शरीर में यदि भोग नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, धन नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यदि शरीर पा करके कोई भगवान का नाम जप रहा है तो सबसे बड़ा धनी वही है, और धनियों को देख करके मन में नहीं सोचना चाहिए कि ये सौभाग्यशाली है। सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास नाम का धन है, भगवान का नाम। मीरा बाई ने गाया है इसको, पायजी में तो राम नाम धन पायो। भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है वास्तव में। और धन का क्या उपयोग है, इस संसार तक कुछ काम करेगा, वो भी जवानी में, बूढ़ा होने के बाद ये धन भी सब बेकार हो जाते हैं। और यह धन तो इस जीवन के बाद हमारा साथ देगा वैकुंठ में। जन्म मृत्यु से पार कर देगा, और धन जन्म मरण में ही रख देता है। इस जीवन का असली लाभ है मुक्त होना, जन्म मृत्यु से मुक्त होना। बारंबार जन्म हो रहा है, बारंबार मृत्यु हो रही है, इस शरीर के मरने के बाद भी फिर जन्म रुकेगा नहीं, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह से जीव फंसा हुआ है जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहते, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है फिर जन्म लेना है। तो कब रुकेगा ये प्रवाह? अगर मनुष्य शरीर में हम जन्म मृत्यु के प्रवाह को नहीं रोक पाए तो कब रोकेंगे? भगवान की भक्ति से जन्म मरण के रिपिटिशन को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ये चांस कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
फिर केवल पछताप रह जाता है, पछतावा, मैं मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, हाय रे अब क्या होगा, पछतावा होता है। ये मनुष्य शरीर में जब तक जवानी है, जब तक शरीर सक्षम है, खूब जप करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और सुविधा है, अगर पढ़ने की शक्ति है, आँख ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। और कर्णेन्द्रिय ठीक से काम कर रही है तो सुनना चाहिए खूब। इस तरह से हमारा जीवन सार्थक होगा। जय श्रील प्रभुपाद। प्रश्न चार्ज नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। महाराज आपने बीच में बताया कि जैसे ब्रह्मा जी हैं तो भगवान ने उनको कहा कि एक वर दिया कि आपको कभी अभिमान नहीं होगा और आप कभी ये भौतिक आसक्ति में फंसेंगे नहीं। तो हम ये भी सुनते हैं कि हम सब ब्रह्मा थे एक समय और हम वहां पर परफेक्ट अपना जीवन परफेक्ट नहीं कर पाए और फिर फंस गए और आ गए। तो आप ये सोचते हैं कौन आपको बता दिया है? हम ब्रह्मा थे ये कौन बताया है? हमने ऐसे शायद ऐसे पढ़ा है कि जब जीव जीव का पतन होता है तो सबसे पहले ब्रह्मा ही बनते हैं, उसके बाद फिर और नीचे आते जाते हैं। ये गलत है। ये जीव ब्रह्मा भी बन सकता है, लेकिन ये ब्रह्मा था पहले। सभी जीव वैकुंठ से गिर करके ब्रह्मा बनते हैं? ये कैसी कल्पना है? वैकुंठ से गिरे ब्रह्मा जी बने और ब्रह्मा जी से गिर करके सुअर बने, कीड़ा बने। कैसे कैसे वाक्य पढ़ लेते हैं आप लोग, कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ करके सोचते नहीं है कि ये क्या कह रहा है। बताइए, इन्होंने पढ़ लिया सभी जीव वैकुंठ से गिर करके ब्रह्मा बनते हैं और तब धीरे धीरे सब कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। हरे कृष्ण महाराज, भजन रायन दास ओवर हियर। आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो महाराज, यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी इन सैफ्रन। Very nice class. I appreciate the focus on chanting the holy name. I have one question, because you're saying, what is the use of meditating on the form? What has been the use? It's the name, it's the name, it's the name. My question is, then why did Prabhupada establish deities, beautiful murtis, all over the world? Prabhupada ji ne deity sthapit kiya कि हम भगवान को देखें, बार बार उनकी सेवा करें, सेवा का अभ्यास हो जाए, हाथ से सेवा करें और आंख से भगवान को देखें, चरण से मस्तक तक, मस्तक से चरण तक, बारंबार देखें।
भगवान को देख करके हम प्रणाम करें, भगवान की सेवा करें, यह सब जरूरी है। लेकिन हम लोगों की जो स्थिति है इस कलयुग में, भगवान के नाम से ही हमारा निस्तार होगा। यह भी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, कोई भी पूजा भगवान के नाम से युक्त होती है, भगवान की सेवा करते हैं पर कीर्तन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए करते हैं। भगवान के नाम के बिना और सब साधन बेकार होते हैं। Very good, thank you. करण का अर्थ इंद्रिया और अपाटव का अर्थ अपटुता। किसी की इंद्रियें पूर्ण सक्षम नहीं है किसी विषय को पकड़ने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक चीज को भी। जैसे यदि किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए सूरज कितना बड़ा है, तो कहेगा ये तो केवल एक थाली के बराबर है। लेकिन सूरज वास्तव में पृथ्वी से भी बड़ा है, पर अपनी इंद्रियों से हम उसकी बड़ाई को देख नहीं पाएंगे। तो यही है इंद्रियों की अक्षमता, अपटुता। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं कर पाती है। जैसे आपके दाल में यदि बहुत ज्यादा नमक पड़ गया है तो आप कान से सुन करके नहीं समझ पाएंगे, उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराइए और आवाज होगी, तो आवाज से आप उसमें नमक ज्यादा है इसको नहीं जान पाएंगे। उसको कैसे जानेंगे, जब जिह्वा पर रखेंगे। तो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं कर पाती है, करते भी है तो परफेक्ट नहीं। यदि ठंडा ज्यादा है तो आप देख करके नहीं जान सकते हैं, उसके लिए त्वग इंद्रिय की जरूरत होती है। त्वग इंद्रिय बताएगी कि ठंडा ज्यादा है, यहाँ चादर नहीं है। आंख नहीं बता पाएगी, कान नहीं बता पाएगा। तो यही है इंद्रियों की अपटुता, इसको करण अपाटव कहते हैं। तो ऐसी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान का वर्णन नहीं हो पाएगा, जो भी होगा वो अपूर्ण रहेगा। लेकिन भगवान स्वयं अपना वर्णन करेंगे या किसी भी चीज का वर्णन करेंगे तो वो पूर्ण होगा, क्योंकि उनकी इंद्रियां सभी विषयों को समझती हैं, सब जगह जा सकता है उनका अनुभव। जैसे यदि हम में से किसी से पूछा जाए कि आप अपने माता के उदर में कितना दिन थे और क्या कर रहे थे, तो ये भी याद नहीं है कि एक दिन था, कितना दिन था और क्या कर रहा था, किस स्थिति में था,
चेयर पर बैठा था क्या कर रहा था ये तो कुछ भी स्मरण नहीं है मैं था कि नहीं था ये भी ध्यान नहीं है, है ना किस दुर्दशा में माँ के पेट में था तो सुन करके जानते हैं भगवान कपिल देव के वर्णन को तृतीय स्कंध में जो हम पढ़ते हैं तब पता चलता है एक अनुमान होता है कि मैं भी था लेकिन डेट कुछ पता नहीं बाद में दूसरे लोग बताते हैं कि इतना से इतना दिन तक तुम माता के पेट में था तब थोड़ा अनुमान करते हैं लेकिन डायरेक्ट कहा जाए अब तुम थे वहाँ माँ के पेट में तो अपनी स्थिति बताओ तो कोई ज्ञान है नहीं और चल दिए लिखने के लिए ग्रंथ जैसे उन्होंने कहा ना कि पहले ब्रह्मा बनते हैं सभी जीव देख लिए ब्रह्मा बनते हैं सारा वेद शास्त्र पढ़ करके भगवान से सुन करके और फिर इसके बाद गिरे कीड़ा बने या मनुष्य बने भगवान का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी तो भगवान के धाम में चले गए भगवान के गुणावतार लेकिन ऐसे ही अनुमान किया जाएगा उसी को दक्ष प्रजापति कह रहे हैं सब भौतिक होता है वर्णन भगवान का स्वरूप माँ भूत नहीं होता है इसीलिए वो सावधान कर रहे हैं कि भगवान के उद्गार या भगवान के भक्तों के द्वारा प्रस्थापित भगवान के श्री विग्रह आदि को देखना चाहिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए पढ़ने लायक यदि कोई ग्रंथ है तो वो है भगवद गीता एज इट इज भगवान की वाणी है और भगवान के भक्त द्वारा उसकी व्याख्या है अब ऐसा नहीं है कि भगवद गीता एज इट इज के समान दूसरे ग्रंथों को पढ़ा करें गीता पर अन्य भी बहुत सी टीकाएं हैं मैं गीता भवन कलकत्ता में देखा हूं गीता पर 500 टीकाएं रखी हुई हैं वहां लेकिन सब भौतिक ही हैं भगवत गीता एज इट इज ये तो भगवान की वाणी को ठीक ठीक व्याख्यान किया हुआ है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रभुपाद जी का प्रेमी हूं इसलिए नहीं इसलिए कि भगवान की वाणी को बिना विकृत किए रखी गई है उसमें न कुछ बढ़ाया गया है न कुछ घटाया गया है जैसे भगवान ने कहा है भगवान कहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु तो वही बात सिखाई गई है कृष्ण में मन लगाओ कृष्ण को प्रणाम करो कृष्ण का भक्त बनो इस भगवद गीता एज इट इज नहीं सारी दुनिया में कृष्ण का भक्त बनाया है
बारंबार पढ़ना चाहिए भगवद गीता एज इट इज, इससे संदेह नहीं रहेगा और इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठ पाएंगे। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये परम शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है। यह तो मनुष्य समाज का बहुत बड़ा भाग्योदय है कि ये ग्रंथ मिल रहे हैं। पढ़ना चाहिए, सब समय साथ देंगे, अपने घर में रहेंगे, कभी भी कोई पढ़ेगा तो उनसे प्रकाश मिलेगा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।